बिजनौर कोतवाली शहर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते दिनों बिजनौर के गांव धोकलपुर में हुए डबल मर्डर में गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री के बारे में बताया था। अभियुक्तों की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए कोतवाली शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चांदपुर रोड स्थित ग्राम जहानाबाद के जंगल में स्थित एक खंडहार में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में पुलिस ने लगभग 2 दर्जन बने और अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे पिछले काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर उन्हें अच्छे दामों में बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से अपने परिवार वालों का भरण पोषण करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि 3 अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आपकी जानकारी में है, 9 मई को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धोकलपुर में एक डबल मर्डर की वारदात हुई थी, जिस वारदात में जो अभियुक्त पकड़े गए उसमें से विवेक कृष्णा और आकाश के द्वारा जो तमंचे प्रयोग किए गए उनके बारे में पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम जहानाबाद के जंगल में कुछ लोग तमंचे बनाते हैं, जैसे कि इस तमंचे को खरीदा गया। इस आधार पर इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में सीओ सिटी साहब के निर्देशन में हमारी टीम ने आज ये 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिसमें रियाज, राकेश और उस्मान, जिनसे लगभग 2 दर्जन बने अधबने तमंचे, रिवाल्वर, राइफल बरामद हुई है। शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं और इनकी गिरफ्तारी के उपरांत आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है इनको और फिर।